अटल बिहारी ने गठबंधन सरकार सफलतापूर्वक चलाई थी, अब पीएम मोदी कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि जब पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन सरकार सफलतापूर्वक चलाई है तो पीएम मोदी भी तीसरी बार सफलतापूर्वक चलाएंगे। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गठबंधन सरकार के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को श्रेय दिया है। उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन सरकार सफलतापूर्वक चलाई थी, उसके बाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, लेकिन गठबंधन की सरकार तो तब भी थी, तब पार्टी का स्पष्ट बहुमत था। अब दो बार से पीएम मोदी सरकार चला रहे हैं और तीसरी बार भी गठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक चलाएंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, इसका नतीजा यह रहा कि अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बना रही है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 250 के आंकड़े को छू भी नहीं सकी। ऐसे में अब कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान चर्चा में है। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर भी बोले विजयवर्गीय। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है, इससे हम सब गौरवान्वित हैं। वहीं जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी के नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिए जाने के दावे पर जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर जवाब देने से मना कर दिया। इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि इंडिया गठबंधन कह रहा है कि उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया है, इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये तो अपरिपक्वता राजनीति के विपक्ष में इस बार प्रकार है कि कभी कभी शर्म भी आती है। विजयवर्गीय ने अटल बिहारी वाजपेयी को दिया श्रेय। आपको बता दें कि लोकसभा के नतीजे आने के बाद में पार्टी के नेताओं के अलग अलग बयान दिख रहे हैं। इनमें से कुछ लोग पीएम मोदी का नाम लेने से बचते भी नजर आ रहे हैं। इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सफलतापूर्वक अगर गठबंधन की सरकार चलाने का श्रेय किसी को जाता है तो वह अटल बिहारी वाजपेयी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सफलतापूर्वक गठबंधन की सरकार चलाई थी। अटल बिहारी सरकार के बाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया। हालांकि गठबंधन की सरकार तो उस समय भी थी पर पार्टी का उसमें स्पष्ट बहुमत था। इस बार संख्या जरूर कम है लेकिन गठबंधन की सरकार इस बार भी बढ़िया चलेगी। पीएम मोदी ने दो पारी बहुत अच्छे तरीके से खेली है और तीसरी पारी भी बहुत बढ़िया खेलेंगे। देखिए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार ओथ ली थी और उसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री तीसरी बार ओथ नहीं ले सका। हमें देश की जनता ने जिस प्रकार मोदी जी को आशीर्वाद दिया है तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का, तो हम सब गौरवान्वित हैं। हिंदी गठबंधन कह रहा है कि उन्होंने ऑफर किया था नीतीश कुमार को पीएम के लिए, जेडीयू के केसी त्यागी ने बात कही है, आपका इस पर क्या कहना है? अब मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कांग्रेस की बात है, जेडीयू से बोला, मैं इसके ऊपर क्या टिप्पणी करूं। गठबंधन ये भी कह रहा है कि उन्हें बुलाया नहीं गया है, वो तो पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेंगे, शशि थरूर ने ये कहा है। अब ऐसा है कि अपरिपक्वता राजनीति की विपक्ष में इस प्रकार है कि कभी कभी शर्म भी आती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ओथ सेरेमनी हो और उनको निमंत्रण नहीं जाए, बाकायदा निमंत्रण गया। बस आखिरी सवाल ये कि सर एलओपी के तौर पर राहुल गांधी का नाम जो है इंडिया गठबंधन देख रहा है और सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी कांग्रेस की कब देखेंगे, क्या प्रतिक्रिया? लोग राहुल जी सदन में बैठेंगे तो संख्या अच्छी रहेगी क्योंकि पता नहीं कब क्या मिमिक्री करते हैं, लोगों को इस बात का इंतजार रहेगा।